जन अधिकार पार्टी की ओर से आयोजित किया गया सामूहिक उपवास। जन अधिकार पार्टी के केंद्रीय कोर कमेटी के निर्णय के आलोक में शनिवार को लखीसराय जिले के जाप कार्यकर्ताओं ने सामूहिक उपवास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने अस्पतालों की बदहाली के खिलाफ, कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा, कोरोना आदि महामारी का निःशुल्क इलाज, वैक्सीनेशन का गति तेज करने के साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की अविलंब रिहाई की मांग को लेकर उपवास रखा। मौके पर जाप के प्रदेश सचिव रंजय कुमार ने कहा कि इन सभी मांगों को लेकर आज राज्य के विभिन्न जिलों में उपवास का कार्यक्रम आयोजित की गई है। अगर बिहार सरकार जल्द हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लेती है तो आंदोलन को और तेज और उग्र कर दिया जाएगा। उपवास स्थल पर जाप के जिला अध्यक्ष अनिल यादव, युवा जिला अध्यक्ष राजेश यादव के अलावा बड़ी संख्या में जाप कार्यकर्ता उपस्थित थे। लखीसराय संवाददाता सुजीत कुमार व रुकेश कुमार की रिपोर्ट। क्यों कर रहे हैं? हम लोग आज एक दिवसीय उपवास पर हैं, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, उनको कारण जेल में बंद कर दिया गया है। 32 साल पुराना मामला कहां से खोज के लाए पता नहीं चला। जो अभियुक्त बनाया गया है, जिसके कारण वो आदमी खुद कह रहा है कि हमारी अपहरण हुई ही नहीं थी, तो फिर सरकार उनको जेल में क्यों रखे हुए है। और इसके साथ साथ हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। सर्वप्रथम मांगे हैं कि अस्पताल का जो खस्ता हालत है उसको दुरुस्त किया जाए, जिससे कि सरकारी हॉस्पिटल कोई भी गरीब गुरबा पहुँचे तो उसका अच्छे से अच्छा इलाज हो। दूसरी मांग है कि जो महामारी के नाम पर ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, कोरोना आया है, उसका मुफ्त इलाज हो। तीसरी है कि कोरोना से मरे हुए मृतकों को अविलंब मुआवजा दिया जाए। चौथा है वैक्सीनेशन के रेट को, दर को तेज किया जाए, जिससे हरेक आदमी को, हरेक जनता को वैक्सीन मिले। और पांचवा सबसे प्रमुख मांग है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, बल्कि पूरे बिहार का एक विचारधारा बन चुके हैं। उन्होंने हजारों नहीं लाखों लोगों को मदद पहुंचाया है, किसी को खाना दिया, किसी को ऑक्सीजन दिया, किसी को दवाई दिया। इसके कारण सरकार डर गई कि कहीं ये आदमी आने वाले समय में हमको परास्त ना कर दे। तो ये कोई तरह का राजनीति नहीं है, इस तरह का गंदा राजनीति करना अच्छा शोभा नहीं देता है, क्योंकि सरकार इतने दिनों से चल रही है, इसको तो सोचना चाहिए कि पप्पू यादव जी हमको जो आईना दिखा रहे हैं हमारे भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ, हमारे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई उस पे होनी चाहिए। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो? अगर मांग नहीं पूरी हुई तो इसी तरह चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होते रहेगा। अभी शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन हो रहा है, कहीं डर है कि आंदोलन उग्र होके सरकार को ना इसमें जला के भस्म कर दे, और इस सरकार ही ना रहे और सिर्फ जनता का शासन चले। आप लोग उपवास क्यों कर रहे हैं? हम लोग आज पूरे संपूर्ण बिहार में हर एक जिला वाइज, हर एक प्रखंड कार्यालय, अपने अपने जिला में एक दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। 5 सूत्री मांगे में पहली मांग यह है कि जितने भी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उसकी व्यवस्था को दुरुस्त की जाए, क्योंकि फिलहाल जो वहाँ पर बुनियादी सवाल है वो पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको दुरुस्त करने के लिए। दूसरा सवाल हमारा है कोरोना संक्रमित से जितने मृतकों की मृत्यु हुई है उनको अविलंब मुआवजा दिया जाए। तीसरा हमारा है जितने भी वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, बहुत जगह आधार कार्ड में लिंक है और ऐसे ही आपका मोबाइल नंबर पे मैसेज जा रहा है वैक्सीनेशन को नहीं मिला, उसकी निष्पक्षता जांच हो एवं उसे हर एक व्यक्ति के पास वैक्सीनेशन होना चाहिए। चौथी है पप्पू यादव जी की रिहाई। पप्पू यादव जी जब सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए 32 साल पुराने केस में उनको जेल भेजे हैं और अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई है, कोर्ट में सुरक्षित रखा हुआ था फिर भी अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया गया, इस बात के लिए हम लोग आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं उपवास पर।